अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। है ना आप लोग? एसी में ज्यादा ठंड लग गई क्या? अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। नाम मेरा अभय कुमार अंसारी है। ये बिजनेस को 10 साल पहले मैंने शुरुआत किया था। जब 10 साल पहले ये बिजनेस देखने के लिए घाटकोपर में आया था, मैं भी ऐसे हॉल में आया था, मुझे पंखा बनाने के लिए बुलाया गया था और बीच में बिठा दिया गया था। निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने पूरे बिजनेस को देख लिया। लास्ट में मेरे जो बाजू में बैठे थे, मैं उनको बार बार बोलता था, भाई पंखा किधर है? बोले क्या ऑफिस का पंखा खराब है, अंदर का। तो अभी सेठ आएंगे लास्ट में, फिर आपको मिलेगा। तो मैं सेठ के इंतजार में लास्ट तक बैठा था। तो सेठ आए तो पंखा मिला नहीं, एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस मिला। मेरे पास उस समय दो रास्ता था। पहला रास्ता ये कि उनसे बात करके फॉर्म फिलअप करूँ और बिजनेस की शुरुआत करूँ। दूसरा रास्ता ये था कि दरवाजा खुला है, फटाफट निकल लो। हेलो, यहाँ पर दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग अभी फॉर्म फिलअप करेंगे, बिजनेस की शुरुआत करेंगे, और कुछ लोग बोलेंगे नेक्स्ट टाइम देखता हूँ। आप कभी गूगल पे नेक्स्ट देखे हैं? वो नेक्स्ट ही आता है, हर टाइम आप क्लिक करते जाओ, नेक्स्ट ही आता है। सही बात है, नेक्स्ट कभी खत्म होने वाला। मैंने उस दिन एक प्रॉपर डिसीजन लिया था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में छोटा छोटा बदलाव आना चालू हुआ। पांव पैदल से छोटी मोटी कार आ गई, भाड़े के रूम से अपने खुद के 50 लाख के घर में रहता हूँ अभी। 4,000 रुपए की नौकरी करता था जब मैं इलेक्ट्रिशियन था, आज महीने का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया टीडीएस काट के वाइट में इनकम आ जाता है। लास्ट हफ्ते का जो इनकम था 47,000 मेरे नाम पे आया था, वाइफ के नाम पे, भाई के नाम पे कुछ 5-10 हजार रुपया आया था, ऐसा कुछ मिला के 70,000-60,000 के करीब करीब मेरा इनकम आया था लास्ट हफ्ते का। अब आप सोचिए, अगर मेरे जैसा एक साधारण 6 क्लास पढ़ा हुआ आदमी इलेक्ट्रिशियन, जिसको बाहर के मार्केट में अगर नौकरी के लिए जाएगा तो सिर्फ 8-10 हजार, और आप लोग का अगर किसी का सोर्स अच्छा लग गया तो 15,000 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस में उतना हफ्ते में आ जाता है। अब अगर मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ भी होगा। इसके लिए मैंने कुछ अलग से लेके ये बिजनेस को शुरुआत किया। उस दिन से लेके आज तक सिर्फ सीख रहा हूँ, ये बिजनेस को क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और सीखते सीखते ये बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। उसकी वजह से मैं एनटीसी बन गया। ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए खाली समझदार होना जरूरी है। आप सारे लोग समझदार हैं? तो बस ये बिजनेस की शुरुआत करो, पॉजिटिव सोच बनाओ। मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ देवे ना देवे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, नहीं भी होगा तो एमआई लाइफस्टाइल के सारे लीडर्स आपके अंदर वो काबिलियत डेवलप करेंगे। क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिशियन था, मेरे अंदर नेटवर्क का काबिलियत नहीं था, हमारे सीनियर लोगों ने हमारे अंदर डेवलप किया, हमको बनाया, सिखाया, ट्रेनिंग दिया, और आज मैं इस लायक बन गया। तो आप लोग एक पॉजिटिव डिसीजन लेकर शुरुआत करिए। जय हिंद, जय नेक्स्ट।